खबर प्रतापगढ़ से है। प्रशासन की ऐसी दमंगई यहां देखने को मिली जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बेबस और बेसहारा महिला को प्रधानमंत्री आवास की तरफ से योजना की तरफ से एक घर मुहैया हुआ, लेकिन प्रशासन ने उस घर पर जेसीबी चलवा दी। रिपोर्ट के जरिए खबर आपको दिखा रहे हैं। हम बोले क्यों, जब हम सुधर से आए सब मार मार भगा दी, हमारे घर में आग लगा दी, जितना दहेज दहेज रहे मेरी बेटी के सब। आग किसने लगाई? आग लगने पालने लगाया, छप्पर था जिसमें रह रहे थे आवास के पूर्व, उसमें आग लगा दी गई और उसमें इनकी शादी का पूरा जो व्यवस्था करके रखे थे पूरा सामान जल के राख हो गया। गरीब के घर में आग नहीं लगी, गरीब का सामान जलकर खाक नहीं हुआ, यहाँ अरमान जल गए, यहाँ अरमानों को जला गए साहब। सरकार ने गरीब परिवार को रहने के लिए छत दी, प्रशासन ने छीन ली, एक घर को तोड़ दिया तो दूसरे में आग लगा दी। इस आग में घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, एक गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, लेकिन प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से गिरा दिया, बगल में स्थित झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। कि हम मरहम राहत रहे हैं, हमका जाना है प्रधानमंत्री, जाना है हमका, जाना है आवास मिली रही है, जाना है फिर हमारा कॉलोनी बनी रही है, आवास मंत्री दे रहे हैं, हमारे जाना है जेसीबी से ढकेल दिया जाए, ई भर ढकेल दिया जाए तो नेकपाल ने हमारे मरहा में आग लगा दिया। मैंने क्यों आग लगा दिया तो ऐसे जाना जब मतलब कोशिश करे घरे में तो फिर पूरा पुलिस जाना दरोगा सब इनका सब मार के भगा रहा है। तो हम बोले क्यों, जब हम सुधर से आए सब मार मार भगा दी, हमारे घर में आग लगा दी, जितना दहेज दहेज रहे मेरी बेटी के सब। आग किसने लगाई? आग लगने पाल ने लगाया। तो विधवा माँ ने बेटी की शादी के अरमान सजाए थे, पूरी व्यवस्था के साथ सामान भी खरीदा था, लेकिन प्रशासनिक कार्यशैली की भेंट चढ़ गया पूरा सामान। गरीब है साहब, क्यों कोई सूचना देनी, नोटिस देने की जरूरत क्या है? आप साहब हैं जो करना चाहे कर सकते हैं, किसी गरीब के झोपड़े में आग लगा दें या फिर सरकार के दिए हुए घर को अपने रसूख की जेसीबी से जमींदोज कर दें। प्रधानमंत्री आवास मैंने इनको अलॉट किया था, विधवा औरत हैं, इनका नाम कमरुन्निसा है, वाइफ ऑफ स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद, और बड़ी मजबूर औरत हैं, इनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है। कल बिना नोटिस बिना सूचना के लेखपाल और कानून को पहुँचे बिना सूचना के और जेसीबी लेकर के पूरा आवास गिरवा दिए, और हमने फोन लगाया जब हमको सूचना मिली तो कोई जवाब हमको नहीं दिया। ये बताइए आवास तो गिरवा दी, उसके बाद जो मकान था जो आग लगी है कहाँ लगी? जो आग लगी है जो इनका पुराना छप्पर था जिसमें रह रहे थे आवास के पूर्व, उसमें आग लगा दी गई। तो घर बार सब उजड़ गया, जिम्मेदारों ने हवाला दिया, आपका आशियाना ग्राम समाज की जमीन पर है तो जेसीबी चला दी। अरे जनाब, गरीब हैं लेकिन समझते हैं, कार्रवाई से पहले सूचना तो देते, कोई नोटिस तो देते, ताकि घर में संजोए अरमान तो जलने से बच जाते। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत की है, इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला प्रतापगढ़ के कोडोर कोतवाली के अतरसन गांव का है। प्रतापगढ़ से देवानंद शुक्ला, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।